हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देखते हैं, आज हमारे पास आई है एक और नई सिट्रोन, जो कि अपना बेस मॉडल अपनी, और जो कि अपनी आप देख लो यूपी से आई है अपनी गाड़ी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए अपने आरबी का डेकोर पे। तो सिंपली आज इसके अंदर हम बेस टू टॉप का काम कर रहे हैं, अपना फॉग लाइट हो गई, अपना एमएस लाइट का काम हो गया, अपनी वेलकम लाइट हो गई। तो धीरे धीरे जितनी भी एसेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल की जाएगी, हम आपको दिखाते रहेंगे वन बाय वन। तो देखिएगा वीडियो एंड तक, और गाड़ी कंडीशन देख लो आप, अपने डोर्स वगैरह यहाँ पे खोल दिए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो सामने तरफ। यहाँ पर अपनी फॉग लाइट इंस्टॉल की जाएगी, जिसमें आपको रियल वायरिंग भी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की, जो कि आप रियल वायरिंग चाहो उस पर इस तरह की रियल वायरिंग आती है अपनी। एंड यहाँ पे अपने जो फॉग लाइट है कुछ इस तरह की, अपने आई पी एच प्रोजेक्टर वाली, जो कि आप चाहो इस पर यहाँ पे कुछ इस तरह की रहती है अपनी फॉग लाइट। यहाँ पे आई पी एच प्रोजेक्टर रहने वाला अपनी ये, जो कि आप देख लो इसकी भी अभी फिटिंग कर दी जाएगी अच्छे से, तो कुछ इस तरह का सिस्टम रहने वाला पूरा अपना। एंड बाकी यहाँ पे अपनी जो सिट्रोन की वेलकम लाइट होती है अपनी, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। प्लस बाकी अपने सीट कॉल का भी काम किया जा रहा है, अपने पहले कंपनी से कुछ इस तरह के सीट कॉल लगे आते थे यहाँ पे, तो अभी भैया यहाँ पे चेंज करवा के कुछ इस तरह से बकेट फिटिंग के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे सीट कॉल अपने, तो उसका भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा लुक क्या लगने वाला है लुक यहाँ पे। और बाकी आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह की एम लाइट की वायरिंग होती है अपनी, है जो कि आप चाहो उसके ही अपने डोर्स के अंदर लग जाएगी अभी, तो चारों डोर्स के अंदर बेसिकली अपनी लगती है ये, जो कि आप चाहो उसके हो कुछ इस तरह की पूरी वायरिंग का सेटअप है अपना ये। आप चेक आउट कर लो गाड़ी, जो आइए अपने आरबी का डेकोर पर आइए, आप देख सकते हो सामने तरफ। तो करोल बाग में अपनी शॉप पड़ती है, आपको भी कोई मॉडिफिकेशन करवाएं सिंपली आप ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपनी गाड़ी में काम करवा सकते हो, बढ़िया बढ़िया प्राइजेस में यहाँ पे काम हो जाता है, तो आप भी करवा सकते हो अपनी गाड़ी में। बाकी आप देख ही सकते हो सारा मॉडिफिकेशन अपना वन बाय वन सभी आपको दिखाते रहेंगे। और देख लो, अगर आप चैनल पर न्यू हो चाहे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। यहाँ देख लो आप, यहाँ अपने डोर्स के अंदर आ चुकी है कुछ इस तरह से, आ जाती है अपनी वायरिंग यहाँ पे, जो कि आप देखो उसके यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी सिट्रोन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इसका फ्रंट लुक किस तरह का आने वाला है अब यहाँ पे। तो फाइनली मैं बात करूँ इसके अंदर सबसे पहले फ्रंट की, तो फ्रंट में अपने यहाँ पे इसके जो आई पी एच प्रोजेक्टर आते हैं क्रोम फिनिशिंग वाले, यहाँ पे तो आप देखते हो ये वाले हमने आई पी एच प्रोजेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। हेडलाइट के अंदर में भैया ने कोई अपग्रेड नहीं करवाया, यहाँ पे एड हुए भैया ने नहीं लगवाई है, अपने हाइड्रोजन बल्ब भी रहने वाले यहाँ पे। बाकी आप देखते हो आई पी एच का कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिलता है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप चेक आउट कर सकते हो कुछ इस तरह की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। और आज हमने इसके अपने जो पहले तो अपनी चाबी से कनेक्ट करती थी, अब हमने इसको स्विच दिया है इसके अंदर, जो कि मैं आपको स्विच भी दिखाता हूँ अपना। अभी मैंने हेडलाइट बंद कर दी अपनी, और भी ये फॉगलाइट अपनी ऑन है, तो ये इसका स्विच दिया गया है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसको बंद करूँगा, बंद हो गई, अब यहाँ से ऑन किया मैंने, ऑन हो गई। तो कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे सिस्टम कर दिया गाड़ी के अंदर। एंड बाकी बात की तो इसके अंदर हमने अपनी जो वेलकम लाइट आती है अपनी लाइटिंग वाली, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, जो कि सिट्रोन की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह की वेलकम लाइट रहती है अपनी, चारों डोर्स के यहाँ पे लगती है अपनी, जो कि आप देखते हो पीछे कुछ इस तरह की रहती है अपनी स्मॉल साइज में अपनी, तो इसका कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है आपको। एंड डोर्स के अंदर हमने यहाँ पे अपनी जो एमएस लाइट आती है अपनी, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, जो कि कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है आपको। इसके अंदर मल्टी कलर्स होते हैं अपने, 64 कलर्स होते हैं, आप अपने फ़ोन से इसकी कनेक्ट कर जाता है, तो अपने फ़ोन से आप चला सकते हो अपने ऐप से, तो आप देखते हो जिस तरह की लाइटिंग रहने वाली अपनी इसके अंदर। और अपने पूरे डैशबोर्ड पर भी इंस्टॉल की गई है अपनी, है जो कि आप देखते हो पूरे डैशबोर्ड पर अपनी इंस्टॉल कर दी गई है, कुछ इस तरह की रहती है अपनी पाइप वाली अपनी, है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरह का इसका आउटपुट देखने मिलता है आपको यहाँ पे। एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे ट्विटर भी इंस्टॉल किया अपने, जो कि यहाँ पे ट्विटर रिप्लेस कर दिए गए अपने यहाँ पे, क्योंकि इसके डोर्स पे अपने नहीं होता ऑप्शन, तो हमने यही पे प्लेस कर दिया अपने ट्विटर यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको सीट कोर दिखाते हैं, सीट कोर की बात करूँ मैं, तो सीट कोर यहाँ पे आप देख लो बकेट फिटिंग के अंदर रहने वाला है, फुली बकेट के अंदर। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाली कुछ इस तरह की, जो कि आप चाहो इस पर कुछ नहीं यहाँ पे। एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला आपको, यहाँ पे आपको डुअल स्टिचिंग देखने को मिलने वाली है, एंड ब्लैक पे अपना वाइट रंग का जो धागी स्टिचिंग देखने को मिलने वाली आपको कुछ इस तरह की, जो कि आप चाहो रखते हो। और इसकी हार्डनेस वगैरह भी फिटिंग देख लो आप, यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग रहने वाली है, एंड इसके अंदर कुशनिंग भी अच्छी की गई है, इसमें कहीं से भी आपको रिंकल्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाले, प्रॉपर अपना सीट को यहाँ पे लगा दिया गया है। बाकी आप देखते हो लाइफ टाइम की आपको वारंटी मिलने वाली है सीट कोर पे अपने, एंड कुशनिंग वगैरह भी इसके आप जो मैंने चेकआउट करवाई दी यहाँ पे, यहाँ की भी सीट कोर आप देख लो प्रॉपर इसके बकेट फिटिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है। एक बार पीछे से आपको दिखाता हूँ मैं, पीछे से भी सीट कोर की फिटिंग देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके अंदर आपको ये दिया गया, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो अपना। एंड यहाँ से भी आप सीट कोर की फिटिंग चेकआउट कर लो, फिटिंग में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलने वाला, बहुत अच्छी फिटिंग की गई है अपने सीट कोर के अंदर। यहाँ पे पीछे के सीट कोर की बात करूँ, यहाँ पे भी आप इसका हेडरेस्ट वगैरह, इसकी कुशनिंग वगैरह सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, कहीं से भी इसमें रिंकल वगैरह नहीं मिलने वाला आपको। लाइफ टाइम की सीट कोर की गारंटी रहती है अपनी यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और इस तरह का डिज़ाइन चाहिएगा भैया को, तो हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन करके दिया है भैया को अपनी सीट कोर के अंदर, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन रहता है यहाँ पे।
जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना है या फिर आपको कस्टमाइज़ करवा के लगवानी सीट कवर, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होगी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है सीट कवर की, तो आप इस तरह से करवा सकते हो अपना सीट कवर काम यहाँ पे, जो जिस तरह का बेहतरीन से काम हो गया अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो सबसे पहले अपनी फॉग लाइट बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो अब बात करिए इसके, यहाँ पे हमने एक स्टीयरिंग कवर रैप किया अपना, जो कि आप दिखते हो अपने ब्लैक के अंदर ही रहने वाला अपने, जो कि आप चेक कर लो, और इस पर अपनी वाइट रंग की धागे की स्टिचिंग दी गई है, जिस तरह लुक देखने को मिलता है आपको, जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पर अपना स्टीयरिंग कवर यहाँ पे, जो कि प्रॉपर रैप कर दिया गया इसको। और ये अपना टॉप से एक ऊपर वाला वेरिएंट था, इसमें आपको एंड्रॉयड सिस्टम मिलता ही है। अगर आपको ये चेंज करवा के दूसरा लगवाना है कंपनी का हटवा के, तो वो भी लग जाएगा हमारे पास, वही आप लगवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। तो बाकी सब जो है कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिलने वाला है, लाइटिंग का अपना मतलब लाइटिंग सेटअप इसमें बहुत अच्छा किया गया है, प्लस अपना जो आई पी फिक्टर उसके बाद हमने बटन भी बना दिया है अभी, जो कि आप चेक आउट कर सकते हो। आपको एक बार दिखाऊँ फिर से, तो ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन ऑफ, तो आप देखते हो कुछ इस तरह से वर्किंग रहने वाली है इसकी अपनी, जो कि आप चेक आउट कर सकते हो। और सारे काम अपने आरबी का डेकोर पर हो रहा है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर फ्लैश कर रहा होगा, सिंपली आप ये से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, जो कि सारा कुछ काम जो है अपने करोल बाग के अंदर आरबी गाड़ी कॉर पे मिलने वाला है आपको बहुत अच्छे रेट में, अच्छे प्राइसेस में, तो आप भी करवा सकते हो इस तरह का काम। बाकी इसमें भैया ने एक फ्लोरिंग नहीं लगवाई अपनी, फ्लोरिंग भी वो नहीं लगवाई थी, तो बाकी अपनी सारी एसेसरीज यहाँ पे टोटल इंस्टॉल कर दी गई है गाड़ी के अंदर। तो एक बार भैया रिव्यू करवाते हो आपको, उनसे पूछते कि उनको काम कैसा लगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी गाड़ी यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है, जो कि भैया हमारे पास काम करवाने के लिए आए थे। भैया आपका नाम क्या वैसे? दोस्त अभिषेक। अभिषेक वैसे कितने कहाँ से आए थे भैया वैसे? भाई सेक्टर 1 स्टेट नोएडा से। ओके, तो भैया जितना भी काम करवाया आपने इस दुकान पे आके अपनी गाड़ी के अंदर, वो काम कैसा लगा आपको? बढ़िया था भाई, सब प्रोफेशनल थे लोग, बढ़िया काम था, सेटिस्फाइड है। अच्छा, आपको पता कैसे चला था कि यहाँ पे काम होता है? वैसे दोस्त यूट्यूब से ही मिला था, ऐसे जैसे भी आपने वीडियो बना रहे हो ना, इसी तरह से बनाई थी, तो वो देखी थी यूट्यूब पे। ओके, तो भैया ने भाई वैसी वीडियो दी। तो भैया मतलब काम में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आया, कई वायर वगैरह कोई कट हुई हो? नहीं यार, कपलर टू कपलर करा है वो, तो अभी तक तो सब बढ़िया है। ओके, मतलब काम फिनिशिंग वाला है प्रॉपर, है ना? हाँ, काम बढ़िया। किसी के सजेशन में कोई आ सकता है काम करवाने यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, तो कितने रेटिंग स्टार दोगे भैया इस वीडियो पे आप काम के पूरे पे? अभी तो यार 5/5, बाकी यूज करेंगे तो पता चलेगा। ओके, थैंक यू भैया। और चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहे। तो मिलता है मैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।